बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद। आज के वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज नंबर 6.1 पेज नंबर 161 पे मौजूद क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन लेके हाजिर हुआ हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन की जानी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इसके तीन पार्ट है। पहला पार्ट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए मालूम करना है एंड द कॉमन डिफरेंस डी मालूम करना है ऑफ द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। व्हेन फर्स्ट पार्ट में कह रहा है T4 फोर्थ टर्म 7 के बराबर दी हुई एंड 16 टर्म 31 के बराबर दी हुई। तो अब जरा देखिए सॉल्यूशन। हमें सबसे पहले यह काम करना है कि ए फर्स्ट टर्म मालूम करनी है, कॉमा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी मालूम करना है, जबकि आपके पास T4 और T16 क्या दिया हुआ है। अब जरा देखिए T4 मैंने आपको जनरल टर्म बताई हुई कि 4 में से 1 1 माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस 3D हो जाएगा। इसको मैं लिखूंगा आपके पास ए प्लस 3D इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। और 16 टर्म, तो 16 में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 15 ऑफ d इज इक्वल टू 31 एंड दिस इज कॉल्ड योर 2। हमें a और d मालूम करना है, हम इसको सबट्रैक्ट करा देते हैं। तो सबट्रैक्ट कैसे कराएंगे, यहां पे प्लस आएंगे तो माइनस कर दूंगा, प्लस को माइनस कर दूंगा, प्लस को माइनस, तो देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, माइनस 15 में से 3 जाएगा आपके पास तो कितना बचेगा माइनस 12 बचा, डी इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए आपके पास 31 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 24 बन जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, 12 बाय 12, 12 टू जा 24, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 2 के बराबर। अब ये तो मालूम हो गया, ए मालूम करना है, तो हम यहां पे एक काम करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ए आ जाएगा। 1 में डालें या 2 में, सेम रिजल्ट आएगा। मैं इसको 1 में पुट कर देता हूं, 1 इज इंप्लाइज दैट, नाउ 1 इज इंप्लाइज दैट ए ऐसे रहा बेटा, प्लस 3d, डी की जगह 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ए प्लस 6 इज इक्वल टू 7। अब आप देखिए ए इज इक्वल टू 6 को उधर शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा 7 माइनस 6, तो a इज इक्वल टू 1, ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या पूछा जा रहा है। सेकंड पार्ट में यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं सेकंड पार्ट, कह रहा है इट्स 8th टर्म इज 7 आठवीं टर्म 7 है एंड द 11th टर्म एंड द 11th टर्म इज माइनस 23। तो जनाब ए और डी मालूम करना है आपके पास,
अब मैं यहां पे डेटा बना रहा हूं, एट टर्म सेवन के बराबर है, तो मैं लिखूंगा इसको टी एट इज इक्वल टू सेवन के बराबर है एंड द इलेवन टर्म यानी कि टी इलेवन इज इक्वल टू माइनस 23 के बराबर है, तो मैं यहां पे माइनस 23 लिखता हूं। अब टर्म का जिक्र करो, एट में से माइनस वन कर दूंगा सेवन, तो यहां पे क्या हो जाएगा ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू सेवन, इक्वेशन नंबर वन। इलेवन में से एक माइनस कर देंगे तो टेन हो जाएगा, तो ए प्लस टेन डी माइनस 23 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर टू। इनको सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए जनाब, माइनस माइनस ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट, माइनस टेन में से प्लस के सेवन जाएगा, माइनस का थ्री ऑफ डी इज इक्वल टू 23 प्लस का है और सेवन, तो ये 30 हो जाएगा। देखिए माइनस थ्री मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो आपके पास यहां पर मैं लिख रहा हूं डी इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय माइनस थ्री, थ्री टेन 30, नाउ डी इज इक्वल टू माइनस टेन हो जाएगा। अब डी तो आ गया, अब ए चाहिए हमें, तो क्या करूंगा मैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर वन, वन में पुट कर दूंगा, वन इज इंप्लाइज दैट। तो देखिए ए आपको मालूम करना है इस वक्त, प्लस सेवन मल्टीप्लाई बाय डी माइनस टेन इज इक्वल टू सेवन हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस माइनस माइनस 70 इज इक्वल टू सेवन, ये माइनस 70 उधर शिफ्ट करेंगे प्लस का हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सेवन प्लस 70, ए इज इक्वल टू 77, तो ये ए की वैल्यू आ गई आपके पास और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3। तो मैं अब सेकंड पार्ट रिमूव कर रहा हूं यहां से और थर्ड पार्ट अब सॉल्व करूंगा। तो जनाब थर्ड पार्ट अब आपके पास कह रहा है कि इट्स फिफ्थ एंड टेंथ टर्म्स आर 86 and 146 respectively का मतलब ये होता है कि लगातार। अब हम इसका डेटा बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखे ए और डी ही मालूम कर रहा है, फिफ्थ टर्म जो है 86 के बराबर है, तो आप लिखेंगे यहां पे T5 is equal to 86, ठीक है। इसके बाद 10th term 146 के बराबर है, T10 146 के बराबर है। अब इसमें वही जनरल टर्म वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, 5 में से एक माइनस करें तो a प्लस 4d हो जाएगा इज इक्वल टू 86, इक्वेशन नंबर 1 बना दें। 10 में से एक माइनस कर दें तो 9 हो जाएगा, a प्लस 9 ऑफ d इज इक्वल टू 146, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करा दे, माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये माइनस ए और प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 9 में से प्लस का 4 गया, माइनस का 5 ऑफ डी हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए माइनस के 146 में से माइनस करेंगे 86,
तो ये आ जाएगा माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 मतलब 5, 5 12 जा 60 हो जाएगा, तो D की कीमत कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है सर, अब हम क्या काम कर रहे हैं, D तो आ गया, अब पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 में डाल दे, मैं 1 में पुट कर रहा हूं। Now one is implies that a plus 4 और d की वैल्यू रखेंगे आप 12 is equal to 86। अब देखिए a plus 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 is equal to 86। इस 48 को बेटा आप उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। Now a is equal to 86 माइनस 48, तो देखिए आप 86 में से माइनस कर दें 48 तो ये आ जाएगा 38, तो ए की वैल्यू 38 हो जाएगी। ये है आपके पास फर्स्ट टर्म और ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, नोट डाउन कर ले बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट्स का सॉल्यूशन हमने कर लिया है। इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो लेक्चर आज इख्तिताम पज़ीर करते हैं। इंशाल्लाह ताला नए सवालों के साथ दोबारा हम नए वीडियो लेक्चर्स में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।